ओम शांति। आज 3 मार्च 2024, आज की शाखा अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का विषय है सेवा के साथ देही में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 21 नवंबर 1998 को और हम उसका मंथन कर रहे हैं। हम मुरली का मंथन रोजाना सवेरे 6 बजे सायं 4 बजे करते हैं, जिसके लिए एक ही लिंक है और वो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको यदि वो लिंक नहीं मिलता तो नीचे के फोन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, और ताकि आप उस लिंक को प्राप्त कर सके और इस मुरली मंथन में आप जुड़ सके, इसमें जुड़ सके, ठीक है। और आज की मुरली का मंथन हम कर रहे हैं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि मेरा एक एक बच्चा, चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी है, फिर भी विश्व में सबसे बड़े ते बड़े भाग्यवान है। लास्ट बच्चा जो मेरा पुरुषार्थी भी कर रहा है, चाहे नया नया बच्चा आया है अभी, परंतु वो बड़े ते बड़ा भाग्यवान है। क्यों? क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान लिया, भाग्य विधाता बाप को पहचान लिया, भाग्य विधाता बाप को पहचान लिया। भाग्य विधाता बाप के बच्चे बन गए, भाग्य विधाता बाप के बच्चे बन गए। डायरेक्ट बच्चे बने, ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का ना है और ना हो सकता है। साथ साथ सारे विश्व में सबसे संपत्तिवान वा धनवान और कोई हो नहीं सकता, और कोई हो नहीं सकता, चाहे कितना भी पदमपति हो, लेकिन आप बच्चों के खजाने से कोई की भी तुलना नहीं है, क्योंकि बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। जितने कदम हम चलेंगे उतने पद्म हमारे खाते में जमा हो जाएंगे। अब ये पद्म रुपए वाला पद्म नहीं है, यहां हर कदम हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो ऑटोमेटिक वो श्रेष्ठ, वो पवित्र बन जाएगा। इस बात को समझना है, यहां पदम का अर्थ रुपए वाला नहीं है। सतयुग में कोई हमें रुपए नहीं मिलने के पदम रुपए हमें मिल जाएंगे। पदम का अर्थ बहुत अच्छी तरह से बुद्धि में समझना है कि वो अकर्म बन जाएगा। हम देह की स्मृति में चलेंगे वो विकर्म बन जाएगा, और जब हम आत्मा की स्मृति में चलेंगे वो हमारा अकर्म बन जाएगा, न्यारा और प्यारा। जैसे कमल का फूल न्यारा और प्यारा पवित्र हो जाता है, ऐसे ही हमारा हर कर्म पवित्र हो जाएगा। इस बात को बहुत क्लियर समझना है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी बैठी हुई है कि जितने कदम हम चलेंगे बाबा की याद में उतने पदम जमा हो जाएंगे। कौन से पदम जमा होंगे ये हमें मालूम नहीं था। अब हमें समझ में आया कि हमारा हर कर्म पवित्र बन जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा। हर सारे दिन में हर रोज चाहे एक दो कदम भी बाप की याद में रहे वा कदम उठाया, तो हर कदम में पदम
तो सारे दिन में कितने पदम जमा हुए? ऐसा कोई होगा जो एक दिन में पदमों की कमाई करे? पूरी दुनिया में कितनी मेहनत कर ले परंतु पवित्र कर्मों की कमाई कर नहीं सकता? कब तक नहीं कर सकता? जब तक बाबा की श्रीमत पर ना चले। कितने भी कर्म करे, कितना दान करे, पुण्य करे, पूजा करे, पाठ करे, व्रत करे, तप करे, जितने भी वो श्रेष्ठ कर्म करना चाहता है वो करे, परंतु ये बात हमारी बुद्धि में बहुत अच्छी तरह रहे कि कोई भी इतने श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकता जितने श्रेष्ठ कर्म बाबा की श्रीमत पर हम सहज कर सकते हैं। हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारा सोचना, हमारा हर कर्म क्या हो जाता है? एकदम पवित्र हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, अगर भाग्यवान देखना हो वा रिचेस्ट इन द वर्ल्ड आत्मा देखनी हो तो बाप के बच्चों को देखो। आप बच्चों के पास सिर्फ एक स्थूल धन का खजाना नहीं, वो तो सिर्फ धन के सौकार हैं, और आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर हैं? खजानों की लिस्ट जानते हो ना? ये स्थूल धन तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास जो ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, खुशियों का खजाना, सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआएं मिलती हैं, जो खजाना मिलता है, ये अविनाशी खजाने सिवाय परमात्म बच्चों के अविनाशी किसी के पास नहीं है। क्योंकि ये खजाने ही अलग है ना, ये दुनिया वाले खजाने नहीं है, ये इस दुनिया से भी न्यारे खजाने, और ये सिवाय बाप के बच्चों के और किसी के पास हो नहीं सकते। और बाप के बच्चे वो जो बाप का कहना मानते हैं, जो बाप का कहना नहीं मानते उनको भी ये खजाना नहीं मिल सकता, उनके पास ये खजाना नहीं हो सकता। तो बाप दादा को ऐसे खजानों के मालिक बच्चों पर कितना रूहानी नाज है। बाप दादा सदा बच्चों को ऐसे संपन्न देख यही गीत गाते, वह बच्चे वह। आपको भी अपने पर इतना रूहानी नाज अर्थात नशा है ना? हाथ की ताली बजा सकते हो? सभी ने तालियां बजाई। दोनों हाथ को क्यों तकलीफ देते हो? एक हाथ की बजाओ। एक हाथ की ताली बजाना आता है ना? ब्राह्मणों का सब कुछ निराला है, दुनिया वाले जैसा करते हैं ब्राह्मणों के काम वैसे नहीं है। ब्राह्मण शांत पसंद है, इसलिए ताली भी शांति की ठीक है। हमारी ताली भी क्या होनी चाहिए? शांति की। तो नशा तो सभी को सदा है भी और आगे भी रहेगा, निश्चित है। ये नशा है भी और सदा रहेगा भी, निश्चित है। बाप दादा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देख, बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को भी देखते रहते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखने चाहते हैं। आप सबका ये चैलेंज है,
कि बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति, मुक्ति भी और जीवन मुक्ति। आवाज आ रही है ना सबके पास? आप सबका ये चैलेंज है कि बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा आकर लो। वही बात जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि सभी आत्माओं को निमंत्रण दो कि वो आकर मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा ले, और ये वर्षा तभी ले सकेंगे जब वो बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। और ये भी हम सब जानते हैं कि सबको बाबा की श्रीमत पर चलना भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आत्मा ना चले। वो चलकर अपने आप को चाहे 1% सुधारेगी तो उसको 1% जीवन मुक्ति मिलेगी, जो 10% सुधारेगी उसको 10% जीवन मुक्ति मिलेगी, और जो अपने को 100% सुधारेगी उसको 100% जीवन मुक्ति मिलेगी। लास्ट आत्मा जो 1 साल के लिए आएगी उसने अपने आप को उतना ही सुधारना है कि वो उसी समय अगले कल्प में आ सके। अब बहन जी उसकी जो मैंने प्रश्न पूछा उसने, उन्होंने मेरे से क्लियर प्रश्न पूछा, क्या वो 6 महीने का बच्चा बाबा को क्या पहचानेगा? हमें तो इतना सिर खपाई करके समझ में आ रहा है, हम कितना सिर खपाई करते, कितनों को समझ में नहीं आता। और छोटे से बच्चे को जो कुछ भी नहीं जान सकता, जो केवल 6 महीने का है, वो क्या समझ सकेगा? वो आत्मा अपने पेरेंट्स के द्वारा जो कुछ भी संकल्प की पालना से स्वीकार कर सकेगी उतना ही करेगी, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। और उसके करने के लिए हमें ज्यादा अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे परमात्म जो ड्रामा है, डायरेक्शन है, जिस ड्रामा में परमात्मा ने हमें समझा दिया है कि मिस्टेक हो नहीं सकती, नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, फिर हम क्यों सोचे? उस आत्मा तक वो मैसेज संकल्प की पालना से वहां जाएगा, और संकल्प की पालना भी उनको कौन देंगे? उनके माता पिता परिवार वाली आत्माएं जो उनके संबंध संपर्क में आएंगी, और नहीं, क्योंकि उसने आना जिनके संपर्क में है वही उनको देंगे, वही उनको खुशी मिली और वही उनको खुशी देने के निमित्त बनेंगे, कोई और नहीं बन सकता। तो उस 1 साल वाली आत्मा को भी एक जितनी भी चाहे वो 1% जानी है, चाहे 0.5% तक अपने आप को इंप्रूव करना है, कितना भी करना है वो उसको करेगी। क्योंकि यदि हम कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो जो मैं समझ पा रहा हूं कि 5,000 साल पूरे जो आएगी वो 100%, और जो 1,000 आएगी वो कितनी होगी? 5 से गुणा कर दो, 20%। जो अब आप समझ सकते हैं कि जो 100 साल के लिए आएगी वो सिर्फ 2% प्योर होगी, सिर्फ 2% पवित्र। जो 100 साल में से भी 1 साल के लिए आएगी तो उसका पॉइंट में जाएगा, वो अपने आप को 0.02 बना पाएगी, तो इतना प्योर उसने बनना है सिर्फ। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हर आत्मा अपनी मुक्ति भी प्राप्त करती है और अपनी जीवन मुक्ति का भी वर्षा उसको मिलता है। तो लेकिन बाबा पूछते, लेकिन आप हैं जी? हाँ बोलो भाई, इसको फिर से समझाएंगे? देखो, जो पूरे 5,000 साल के लिए आत्मा इस पृथ्वी पर पाठ बजाने के लिए आती है,
वो 100% पवित्र होती है, ठीक है। और जो भाई जी वो 100% अपवित्र से जो 100% पवित्र होना पड़ेगा। हाँ, और अब जो आत्मा 50 साल के लिए आती है, हम सीधा करते हैं, सीधा 50 साल के लिए जो आत्मा आएगी तो 20 हट गई ना उसकी, वो 1% पवित्र होगी। समझ में आया, ये क्लियर हुआ, इतनी बात स्पष्ट हुई कि थे नहीं। तो जो 50 साल के लिए आई है वो 1% पवित्र होगी, और जो आई ही सिर्फ सोचो कि 1 साल के लिए है तो उसको 1% को भी 50 से भाग कर दो, 50 से भाग करेंगे तो उसका आएगा 0.02% पवित्र होगी वो आत्मा। और कुछ आत्माएं तो ऐसे मुक्ति धाम जाने से ही वंचित रह जाएंगी, क्योंकि जब वो बाबा बोलते हैं पूरी तरह पवित्र हो जाते हैं। नहीं, वंचित कोई भी नहीं रहेगी, पवित्र तो सभी बनेगी ना, पवित्र तो सभी बनेगी, कोई भी आत्मा ऐसी नहीं होगी जो पवित्र ना बने। जो परमधाम जाना है उसने, तो उसके पास जो कुछ भी है, क्योंकि यहां पवित्र बनने का आधार क्या है कि उसके पास जो कुछ भी है वो उसके पास नहीं रहेगा, अब वो कहां जाएगी, अब उसको सिवाय बा उसे परमधाम जाना है, उसका किसी की उतना ही बनेगी। हाँ, उसने उतना ही रिसीव करना है ना, ठीक है। हाँ जी, कोई प्रश्न है तो बोलो, अब बोलिए। हाँ, जो आत्मा आती है वो तो सत्व प्रधान ही होगी ना, सत्व प्रधान होगी, परंतु सत्व प्रधानता उसकी अपनी अलग है। जो आत्मा, जैसे गुरु नानक जी की आत्मा आई अब से 500 साल पहले, अब जिस समय आई उसकी सत्व प्रधानता कितनी है, 500 का मतलब है 10%, 500 का मतलब है 10%, 5000 का 100%, 500 का मतलब है 10%, तो वो 10% प्योर है। हम जब 10% पर आएंगे, वो 10% पर आएगी, हमारी प्योरिटी जो 10% पर होगी उसकी 10% वही सत्व प्रधानता होगी, उसकी वो सत्व प्रधानता नहीं होगी जो सत्युग में 5000 साल पहले आने वाले की होगी। हर एक आत्मा की सत्व प्रधानता वो है जिस पर वो आई है, और उसने उसके बाद के 4 हिस्से बन जाने हैं उसके। ठीक है भाई, ठीक है। या हाँ जी, हाँ बोलो, आपके पास दो चल रहे हैं इसलिए आवाज में विसल आती है, एक को बंद, एक वो तो बंद कर दिया, यहां सेंटर पे आते ही। हाँ, तो रास्ते में चलवाते थे हम दो, तो अच्छा अच्छा, पता नहीं एक शब्द भी समझ में नहीं आ रहा आपका, आवाज माइक खराब हो गया है क्या। हाँ जी, अब तो माइक खराब हो गया तो दूसरे वाला निकाल के रखना, दूसरा चालू करके दिखा देंगे आपको कल ना, इसको माइक हटा के आप अपने नजदीक रख लो इसको, तो सुनाई दे जाएगा ना, माइक हटा, माइक बंद कर दो, फिर आप इसकी मोबाइल की आवाज से ही सुन लो। आप माइक बंद करो ना, इसकी अपनी अपनी आवाज से सुनो, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए दूसरे वाला पिन वाला लगा के दिखाएंगे आपको कल ना, फिर सवेरे आ जाना, ठीक।
लेकिन आपको तो मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना, या नहीं मिला? मिला है। सतयुग में या मुक्ति धाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी है। ये लाइन बहुत समझने वाली है। सतयुग में या मुक्ति धाम में, जब आप मुक्ति धाम में होंगे, परम धाम में, तब भी आप मुक्ति जीवन मुक्ति को अनुभव नहीं कर सकते। क्या होती है मुक्ति, क्या होती है जीवन मुक्ति, क्योंकि वहां तो संकल्प ही नहीं है जब हम परम धाम में हैं। और जब हम जीवन मुक्ति में सतयुग में होंगे तब भी हम नहीं समझ सकते, अनुभव नहीं कर सकते कि जीवन मुक्ति क्या है, क्योंकि जब रात और दिन एक साथ होते हैं तब हमें रात और दिन का अनुभव होता है। परंतु जब रात हो तो हमें क्या पता दिन क्या होता है, मतलब कोई ऐसा देश हो जहां रात ही रात हो, उनको पता ही नहीं दिन क्या होता है। जब कोई ऐसा देश हो जहां दिन ही दिन हो, उनको क्या पता कि रात भी होती है। ये संगम का समय एक ऐसा समय है जहां परमपिता परमात्मा के उपस्थिति में हम ये भी अनुभव कर सकते हैं कि ये मुक्ति है, ये जीवन मुक्ति है और ये जीवन बंधन है। इस समय हम जीवन बंधन में है तो परमात्मा हमें समझाते, देखो ये जीवन मुक्ति होती है और जीवन मुक्ति में अब आप रह सकते हो, क्या करो और मुक्ति क्या होती है, ये भी हमें अब समझ में आता है। कमाल की बात है, ये ना तो मुक्ति धाम में समझ में आएगा ना जीवन मुक्ति धाम में समझ में आएगा। ये बहुत गुह्य पॉइंट है इस बात, इस मुरली का संगम पर ही करना है। जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियां समस्याएं वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब से प्रभाव मुक्त। अब कितनी समस्याएं हैं, अब वायुमंडल भी खराब है, डबल दूषित है, बहुत गंदा है, और हम आत्माओं को समझ में आ गया है कि हमने इनसे भी प्रभाव से मुक्त रहना है, साक्षी होकर रहना है। यह हम अब समझ सकते हैं ना, वहां सतयुग में दूषित वायुमंडल नहीं होगा, हम वहां पर साक्षी होने का क्यों सोचेंगे और कैसे सोचेंगे, कौन बताएगा, कोई बताएगा भी नहीं और हम रहेंगे भी नहीं। भाई वहां आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, सारी चीजें सत्व प्रधान है, हाँ सारी चीजें सत्व प्रधान होती है, तो वहां तो वो अनुभव होगा नहीं, हो गए। हाँ, ये यही बात बाबा समझा रहे हैं कि ये समय आप मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का अनुभव कर पा रहे हो, बाकी कोई समय नहीं, ना सत परम धाम में कर सकते हो ना सतयुग में कर सकते हो। इन सब प्रभावों से मुक्त जीवन जीवन में रहते, इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त, एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो, ऐसे जीवन मुक्त बने हो वह अंत में बनोगे, अब बनेंगे या अंत में बनेंगे। जो समझते हैं अंत में बनने के बजाय अभी बनना है, वह बने हैं या बनना ही है, वो हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया, दोनों में मिक्स हाथ उठा रहे हैं, चतुर हैं, उधर भी हाथ उठा लिया, उधर भी हाथ उठा लिया। बाबा कहते बड़े चतुर हैं बच्चे, भले चतुराई करो लेकिन बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे हैं, अटेंशन प्लीज। बाबा के शब्द देखो क्या कह रहे हैं, अटेंशन प्लीज। बाप को हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनाना ही है, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनना जरूर है। जानते हो ना कि विधियां क्या हैं, इतने तो चतुर हो ना, तो बनना तो आपको पड़ेगा ही, चाहे चाहो चाहे नहीं चाहो, बनना तो पड़ेगा ही। ये धमकी है क्या है, जरा कौन समझ रहा है इसको, बाबा धमकी दे रहे हैं क्या कर रहे हैं, समझा बाबा, समय में बोले ही है, बनो
जाएंगे तो खुशी खुशी जाए या रोके जाए। हाँ, कैसे भी जाओ, फिर क्या करेंगे? अभी से बनेंगे? तो बच्चों ने कहा हाँ जी। तो बाबा कहते ठीक है, आपके मुख में गुलाब जामुन, सबके मुख में गुलाब जामुन आ गया ना, लेकिन ये गुलाब जामुन है अभी बंधन मुक्त बनने का। गुलाब जामुन कौन सा है? बंधन मुक्त बनने का। ऐसे नहीं गुलाब जामुन खा जाओ, समझ में आया? गुलाब जामुन खिला के वापस निकाल लिया, ऐसे नहीं कि गुलाब जामुन खा जाओ, बनना है, पुरुषार्थ करना है। हाल की शोभा बहुत अच्छी है, एकदम माला लगती है, यहां से आकर देखो तो। बाबा कहते मेरे पास आकर देखो, सारा हाल कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे माला लगती है, ये कुर्सियों वालों की माला तैयार हो गई है, अच्छा है। कारणे आकारणे, जैसे जैसे अभी कुर्सी ली ना, ऐसे ही बाप, जब बाप दादा फाइनल समय प्रमाण सीटी बजाएंगे कि जीवन मुक्ति की कुर्सी पर बैठ जाओ, तो बैठेंगे या अभी कुर्सी पर बैठे हैं, उस टाइम बैठेंगे कुर्सी पर या अभी बैठे हैं? आपको कहा जाए कि मुक्ति, जीवन जीवन मुक्ति की कुर्सी पर बैठ जाओ, तो उस टाइम जीवन मुक्ति की कुर्सी पर बैठ जाएंगे, बैठेंगे या अभी आप ये कुर्सी पर बैठे हैं? ऐसे नहीं कि धरनी पर बैठे हुए कुर्सी नहीं लेंगे, पहले आप धरनी पर बैठना, ये है तपस्या की निशानी, तंदुरुस्ती की निशानी। जो नीचे बैठे हैं कुर्सी पर, कौन बैठे हैं? जिनकी टांगे खराब हैं, तंदुरुस्ती ठीक नहीं है, हेल्थ भी है, तपस्या द्वारा खजानों की वेल्थ भी है, तो जहां हेल्थ है, वेल्थ है, वहां हैप्पी तो है ही है, तो अच्छा है, हेल्दी हो, वेल्दी हो। तो बाप दादा आज देख रहे थे कि बच्चों की तीन प्रकार की स्टेजेस हैं, एक है पुरुषार्थी, उसमें पुरुषार्थी भी हैं और तीव्र पुरुषार्थी भी हैं, दूसरे हैं जो पुरुषार्थ की प्रालब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज में अनुभव कर रहे हैं, लेकिन लास्ट की संपूर्ण स्टेज है देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव। देह में होते हुए भी विदेही अवस्था, मैं आत्मा हूं अनुभव। तीन स्टेज देखी, कितनी स्टेज देखी? तीन स्टेज। तीनों स्टेज समझ में आई है? फिर से समझे इसको ध्यान से। बाबा कहते तीन प्रकार की स्टेजेस हैं, एक है पुरुषार्थी, उसमें पुरुषार्थी भी हैं और तीव्र पुरुषार्थी भी हैं, दूसरी स्टेज है जो पुरुषार्थ की प्रालब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज में अनुभव कर रहे हैं। किसमें अनुभव कर रहे हैं? जीवन मुक्ति की स्टेज को अनुभव कर रहे हैं अभी। और लेकिन लास्ट तीसरी क्या है? संपूर्ण स्टेज, वो आत्माएं जो देह में होते हुए भी विदेही अवस्था का अनुभव कर रहे हैं कि एकदम कर्मातीत साक्षी दृष्टा। तो तीन स्टेजेस देखी, पुरुषार्थ की स्टेज में ज्यादा देखी, चाहे वो तीव्र पुरुषार्थी हैं, चाहे वो ढीले हैं, कम पुरुषार्थी हैं,
और प्रलब्ध जीवन मुक्ति की। प्रलब्ध ये नहीं है, प्रलब्ध क्या होती है कई समझ बैठे हो कि हम सेंटर के निमित्त बनने की या स्पीकर अच्छा बनने की या ड्रामा अनुसार अलग अलग विशेष सेवा के निमित्त बनने की, ये प्रलब्ध नहीं है। मतलब समझा रहे हैं कि जीवन मुक्ति की प्रलब्ध क्या है। कहीं आप सोचते हो कि हम तो सेंटर की इंचार्ज बन गई हैं, हम किसी जोन के इंचार्ज बन गई हैं, या हम किसी प्रकार का कोई विशेष कार्य करने के निमित्त बन गए, ये प्रलब्ध नहीं है। ये तो आपको लिफ्ट मिली है ताकि आप और आगे बढ़ सके। जो भी टीचर है, टीचर को एक लिफ्ट मिली है ना, इस बहाने वो अपने पुरुषार्थ को भी तीव्र कर सके। जितना ज्यादा समझाने का काम करेगी, पढ़ाएगी, तो नेचुरल है कि उसके अंदर भी सुधार आएगा ना। ये उसके लिए अपनी लिफ्ट है, परंतु ये प्राय वो नहीं है, स्टेज नहीं है दूसरी। और आगे बढ़ने की सर्व दुआएं लेने की, लेकिन प्रलब्ध है जीवन मुक्ति की। कोई बंधन नहीं हो, जीवन मुक्ति की प्रलब्ध क्या है, कोई बंधन ना हो, ना परिवार का बंधन हो, ना लौकिक परिवार का, ना अलौकिक परिवार का, ना किसी इस शरीर का। क्या करूं, ये शरीर ही साथ नहीं देता, ये भी नहीं हो। आप लोग एक चित्र दिखाते हो ना, आपने देखा है कि नहीं देखा, मुझे ध्यान नहीं रहा, नहीं तो वो चित्र मैं आपको आज दिखाता तो आपको तो दिखा भी नहीं सकता, परंतु मैं आपको शब्दों से वर्णन करता हूं, आप उसे समझ जाएंगे। जो पुराने सेंटर्स बने होते थे वहां एक चित्र होता था दुखी मानव, उसको रस्सियां बंधी होती थी, जंजीरें बंधी होती थी, हाथ पर, दोनों हाथों पर, दोनों टांगों पर, और सिर के ऊपर विकर्मों का बोझा, और क्या बोलते हैं, व्यसनों का बोझा, पांचों विकारों का बोझा, मतलब ये जंजीरें थी जिनके अंदर वो दुखी मानव दिखाया हुआ होता था। ये है जीवन बंधन। वो चित्र के अंदर हम उनको समझाते थे, ये है जीवन बंधन। हमें परिवार का बंधन नहीं, समाज का बंधन नहीं, बिरादरी का बंधन नहीं, अलौकिक परिवार का बंधन नहीं, हमारे द्वारा कोई पाप कर्म नहीं हो रहा, कोई व्यसन हमारे पास नहीं, कोई विकर्म हमारे से नहीं हो रहा। तो जब हम इस प्रकार से सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हों, तब है जीवन मुक्त। चित्र समझ में आ गया होगा शब्दों से, ठीक है ना। तो ये जो है ना, बाबा ने हमें समझाने के लिए चित्र बनवाए थे, तो बाबा ने उस चित्र का यहां वर्णन किया है। आप लोग एक चित्र दिखाते हो ना, साधारण अज्ञानी आत्मा को कितनी रस्सियों से बंधा हुआ दिखाते हैं, वे अज्ञानी आत्मा के लिए लोहे की जंजीरें, मोटे मोटे बंधन हैं, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा बच्चों के लिए के बहुत महीन भी बंधन है। महीन बंधन क्या होते हैं, आकर्षण करने वाले धागे, वो लोहे की जंजीर अब नहीं है। मतलब आपकी वो लोहे की जंजीरें तो खत्म हो गई हैं, पर तो अब आपके सूक्ष्म धागे क्या हैं, मेरे को इतना ज्ञान है, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा विद्वान हूं, मेरे को सारे टीचर कहते हैं, या और भी मान अपमान की बातें, जिससे जो है ना वो कहीं ना कहीं उसको महीन बंधन आ जाते हैं। ये बहुत प्रकार के बंधन होंगे, सूक्ष्म सूक्ष्म बंधन, ठीक है नहीं। तो जो भी है, लोहे की जंजीरें अब नहीं है, परंतु महीन धागे हैं जो दिखाई दे दे में, बहुत महीन भी। स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छाई है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होता है कि हम बहुत अच्छे हैं। मतलब कोई अच्छाई अपने अंदर है नहीं, पर तो हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं।
लेकिन महसूस ऐसे होती है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो बाप दादा देख रहे थे ये जीवन बंधन के धागे मेजोरिटी में है, चाहे एक हो चाहे आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त बहुत थोड़े देखे। तो बाप दादा देख रहे थे कि हिसाब के अनुसार ये सेकंड स्टेज है, जीवन मुक्त लास्ट स्टेज तो है ना। देह से न्यारे विदेही पर, विदेही कब है, जब देह से न्यारे, इसकी भी हम लास्ट स्टेज क्या है कि देह में होते देह से न्यारे विदेहीपन की, उस स्टेज और जो स्टेज सुनाई उसके लिए और बहुत बहुत अटेंशन चाहिए। आज बाबा ने बहुत ज्यादा अटेंशन दिला रहे हैं, बाबा अटेंशन प्लीज। और ये तीन बातें हमें दिखाई, एक पुरुषार्थी और एक जीवन मुक्त और एक विदेही, ये तीन स्टेज हैं। सभी बच्चे पूछते हैं 99 आएगा क्या, क्या होगा, क्या करें, क्या करें, क्या नहीं करें, क्योंकि 98 में ये मुरली चली है ना। तो बाबा बच्चों को पूछ रहे हैं कि बच्चे कहते हैं 99 आएगा क्या, होगा क्या, करें क्या नहीं करें। बाप दादा कहते हैं 99 के चक्कर को छोड़ो भाई, अभी से विदेही स्थिति का अनुभव चाहिए। जो भी परिस्थितियां आ रही हैं और आने वाली हैं उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए, इसलिए और सभी बातों को छोड़, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। ओ हाँ जी भाई जी, ये है ना कि हम देह में होते हुए, एक शब्द है देही, मतलब देह में होते हुए मैं ये समझता हूं कि मैं आत्मा हूं, तो ये है देही, देह है और देह, ये मेरी देह है, मैं इस देह को चलाने वाली आत्मा हूं। पर तो विदेही का मतलब है देह है ही नहीं, विदेही माना विशेष देह वाला, विचित्र माना विशेष चित्र वाला, सिर्फ मैं आत्मा हूं, देह का तो भान भी नहीं। जैसे कल परसों की मुरली में आया था ना कि वो तो देह भान वाली बात करेंगे ही नहीं ना, देह भान, वो देह अभिमान, वो देह भान को तो दुनिया जानती नहीं। हम देह भान से भी अलग, देह होती भी है ये पता नहीं, मैं आत्मा हूं बस, वो स्टेज कहलाती है विदेही, मैं आत्मा हूं, देह का तो पता ही नहीं, देह की तो जरूरत नहीं, देह होती है ये संसार में कुछ भी होता होगा, उस देह का मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, उसको बोलते हैं विदेही। वो लास्ट स्टेज है जब हम आत्मा है और कुछ है ही नहीं हमारे को, ठीक है, हम आत्मा ही समझेंगे तभी हम घर जाएंगे। जब तक हम समझेंगे मेरी देह है तब तक हम देही हैं और तब तक हम इस संसार में हैं, और जैसे विदेही समझेंगे, विचित्र आत्मा अनुभव करेंगे, तो हम घर होंगे, फिर हमारा यहाँ कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, ये हाँ, अशरीरी अवस्था और विदेही एक ही बात कहलाएगी, मतलब शरीर है ही नहीं, अशरीरी माना शरीर है ही नहीं, आत्मिक और देही एक ही है ना। आत्मिक नहीं, देही, देखो सुनो, देही में क्या है कि मैं आत्मा हूं, मेरी ये देह है, ये है देही, ठीक है ना। और जब देह उसमें से हट जाए, विदेही बन जाए, वी का मतलब है विशेष देह वाला, विशेष देह है, विशेष चित्र, आत्मा का भी विशेष एक रूप है, तो वो आत्मा का रूप जो है ना वो विदेही कहलाएगा या विचित्र कहलाएगा, परंतु देही इस देह के अंदर होते हुए आत्मा और विचित्र आत्मा, तो आत्मा अशरीरी विचित्र विदेही ये एक ही बात है, आत्मा अशरीरी
विचित्र विदेही, ये एक ही बात है, उसमें देह है ही नहीं, देह का कोई वर्णन ही नहीं, देह का कोई मतलब ही नहीं। उस स्थिति को हमें प्राप्त करना है, वह है हमारी लास्ट स्टेज। बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकता, कैसी भी परिस्थिति आए, आत्मा पर कोई असर होगा ही नहीं। हमें देह को ठंड लगती है, गर्मी लगती है, प्यास लगती है, भूख लगती है, देह के अंदर होने पर हमें दुख और सुख की फीलिंग आती है। जब हम आत्मा है, हमें ना दुख है ना सुख है, ना हवा कुछ असर कर सकती है, ना आग हमारे ऊपर कोई असर कर सकती है, ना कोई पानी हमारे ऊपर कोई असर कर सकता है, पांचों तत्व तो हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं करते। बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती, चाहे प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करें, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद आनर होगा जो सब बातें पास हो जाएगी, कोई भी बात उसको प्रभावित कर ही नहीं सकेगी। कैसी भी आग हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, तूफान हो, जो मर्जी पांचों तत्वों का कोई भी हो रूप, वो उस पर कोई असर नहीं डालेगा। ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत रहेगा। बाप दादा समय प्रति समय इशारे देते भी हैं और देते रहेंगे। आप सोचते भी हो, प्लान बनाते भी हो, बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा, उस आश्चर्यवत होकर नहीं, विदेही साक्षी बन सोचो। लेकिन सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लान स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता है, आवश्यकता स्थिति की है। ये विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए चले गए, विदेही अचल अडोल हो खेल देख रहे हैं, अभी लास्ट समय का सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति का सोचो। लास्ट समय का क्यों सोच रहे हो कि 99 आएगा, क्या होगा, क्या करे, ये क्यों सोच रहे हो, ये सोचो हमारी लास्ट स्थिति तैयार है। बाबा की अटेंशन ध्यान समझ में आ रही है, लास्ट स्थिति को सोचो। चारों ओर की सेवाओं के समाचार बाप दादा सुनते रहते हैं और दिल से सभी अथक सेवाधारियों को मुबारक भी देते हैं। सेवा बहुत अच्छे उमंग उत्साह से कर रहे हैं और आगे भी करते रहो, लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस थोड़ा सा कभी इस तरफ झुक जाता है, कभी उस तरफ, इसलिए सेवा खूब करो। बाप दादा सेवा के लिए मना नहीं करते और जोर शोर से करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज हो जाती है, इसलिए सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। बैलेंस रखो और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। ये दुआओं का खाता बहुत जमा करो। अभी भी दुआओं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेंगी। अनेक जन्म में दुआएं देनी है, लेकिन जमा एक जन्म में करनी है। इसलिए क्या करेंगे, स्थिति को सदा आगे रख, सेवा में आगे बढ़ते चलो। क्या होगा ये मत सोचो, ब्राह्मण आत्माओं के लिए अच्छा है, अच्छा ही होना है, लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा है।
बैलेंस कम, तो कभी अच्छा कभी थोड़ा अच्छा। सुना क्या करना है, सुना क्या करना है? क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्यवत होके सोचने को फिनिश करो। ना क्वेश्चन मार्क सोचने लगे, क्वेश्चन के हिसाब से सोचना है ना आश्चर्य के हिसाब से सोचना है, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। क्यों सोचते हो ऐसे? वे स्थिति को नीचे ऊपर करता है, पहले ही कह देते हैं ये तो नहीं होगा, बाबा तो कह रहा है हम कैसे करें, नहीं हो सकता। वे स्थिति को नीचे ऊपर करता है, ये सोचना नहीं है, समझा? अच्छा, विदेश का ग्रुप उठो। विदेश भी एक विशेषता बाप दादा को बहुत अच्छी लगती है, कौन सी? सभी को उमंग उत्साह बहुत है कि विदेश के कोने कोने में बाप का स्थान बनाए, और बनाए भी, बनाया भी है। इस वर्ष कितने नए स्थान बनाए हैं? 12-15। अच्छा उमंग है कि संदेश चारों ओर मिल जाए, ये लक्ष्य बहुत अच्छा है। जहां जाते हैं वहां कोई ना कोई को निमित्त बनाने की सेवा का लक्ष्य रखते हैं कि कोई निमित्त बने उसी को वो जगह संभाल कर दे जाए, तुम सेवा करो। ये विशेषता है, हर एक जितना हो सकता है उतना अपने आप को सेवा के निमित्त बनाने की ऑफर भी करते हैं और प्रैक्टिकल में भी करते हैं। यही सोचते हैं कि घर घर में बाबा का घर हो। आप जितने मुरली सुन रहे हो सबके पीछे बाबा क्या देख रहा है कि बाबा का घर है, और आपके आगे एक पूरा का पूरा लाखों की भीड़ इंतजार कर रही है जो आपके बाद बाबा के बच्चे बनने हैं। ये उमंग उत्साह बहुत अच्छा है, इसलिए इस उमंग उत्साह के लिए बाप दादा और एडवांस में आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा विदेशी अर्थात विश्व कल्याण करने के निमित्त बनने वाले बच्चों को यही कहते हैं कि अब सेवा और विदेही अवस्था में नंबर वन बच्चों को बनना ही है। बनना है कब? 99 में या 2000 में? कब? कब नहीं, अब बोलो। कब नहीं बोलो, अब बोलो। अब अव्यक्त बाप की पालना का प्रत्यक्ष सबूत देना है, जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही सिद्धि द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो। इसलिए अव्यक्त पालना का बाप को रेस्पॉन्ड देना है, विदेही बनने का, सेवा और सिद्धि के बैलेंस का। ठीक है, मंजूर है, करना ही है। बाप दादा ये नहीं सोचते देखेंगे सोचेंगे, नहीं, करना ही है। अपनी भाषा में बोलो, करना ही है। जो भी सभी टीवी में भी देख रहे हैं वे सभी भी ऐसे बोल रहे हैं ना, बाप दादा देख रहे हैं, चाहे भारत में देख रहे हैं चाहे फॉरेन में देख रहे हैं, लेकिन सभी को उमंग आ रहा है, हम करेंगे, हम करेंगे, हमें करना ही है। एडवांस में मुबारक हो। अच्छा, विदेश की बहुत से भाई बहने पहली बार आए हैं, रिट्रीट में आए हुए गेस्ट भी बैठे हैं, बहुत अच्छा है, सब नंबर वन लेने वाले हैं, बहुत अच्छा। मेहमान बनकर आए हैं और बाप के बच्चे अधिकारी बन गए, अधिकारी हो गए ना, अधिकारी हैं, बहुत अच्छा। अभी आगे बढ़ते रहना। हॉस्पिटल के ट्रस्टियों से सभी डबल ट्रस्टी हो, एक प्रवृत्ति में रहते ट्रस्टी और दूसरा हॉस्पिटल में रहते ट्रस्टी। एक तो परिवार में रहते हैं वो घर में ट्रस्टी बनकर रहते हैं, आप हॉस्पिटल में रहकर ट्रस्टी हो, हॉस्पिटल के भी ट्रस्टी तो जीवन के भी, जीवन के भी ट्रस्टी। अच्छा अच्छा है, हॉस्पिटल आत्माओं की भी सेवा कर रही है और शरीर की भी सेवा कर रही है, तो डबल सेवा हो रही है।
इसलिए जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हो उनको भी डबल दुआएं मिलती रहती हैं। बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं ना, सेवा का चांस लेना, यह है चांसलर बनना। वे चांसलर नहीं, रूहानी यूनिवर्सिटी के चांसलर अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया वाले ओलंपिक गेम के समय बड़ा प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे हैं। बाप दादा को प्लान दिखाया, जहां उमंग उत्साह है और सबकी एक मत है, तो जहां एक मत है और उमंग उत्साह है तो सफलता है ही है। अच्छा भले करो, अच्छा है भले करो, फॉरेन में नाम बाला करो, बहुत अच्छा। जो भी सभी भारत से आए हैं तो भारत वालों को तो विशेष नशा है कि बाप दादा अवतरित भी भारत में होते हैं, साथ साथ अगर मिलने आते हैं तो भी भारत में ही आते हैं, तो डबल नशा है ना। भारत ने ही विदेश में संदेश दिया तो भारत ने विदेश में भी अपने परिवार को ढूंढा, एक परिवार बना दिया। इसलिए भारतवासी बच्चों को सदा महत्व है और भारत का महत्व बढ़ना है तो भारतवासियों का महत्व तो है ही है। इसलिए जो भी नए पुराने बच्चे आए हैं वे बहुत प्यार से पहुंचे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का स्नेह और चारों ओर सेवा के सहयोग को देख खुश हैं और बच्चे भी सदा खुश हैं। खुश रहते हो ना, कभी खुशी कम नहीं करना, ये स्पेशल बाप का खजाना है, इसलिए खुशी कभी नहीं छोड़ना, सदा खुश। अच्छा चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक, सदा सेवा और सिद्धि का बैलेंस रखने वाले ज्ञानी तू आत्मा, सर्वशक्ति संपन्न आत्माएं, सदा बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान परमात्म कार्य में सहयोगी बन सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भाव। जहां सर्व का उमंग उत्साह है वहां सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। कोई भी विशाल कार्य में हर एक के सहयोग की अंगुली चाहिए। सेवा का चांस हर एक को है, कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर सकता। समय नहीं है, उठते बैठते 10-10 मिनट भी सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठ करो। मनसा से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। परमात्म कार्य में सहयोगी बनो तो सर्व का सहयोग मिलेगा। स्लोगन है, प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। कैसी भी परिस्थितियां आएंगी कभी आप अपसेट नहीं होंगे। अच्छा ओम शांति। और किसी को कोई बात स्पष्ट ना हुई हो तो पूछो। किसी का कोई प्रश्न है, कोई बात स्पष्ट नहीं है तो पूछो। बाबा ने आज तीन प्रकार के स्टेज बताए, होशियार, निर्होशियार।